क्या स्ट्रेटेजिक ऑप्शन उसके पास है कि उसको अपनी कैश पोजीशन को अपनी कैश लिक्विडिटी को बेहतर करना है किस तरीके से एक रिटेलर ये काम कर सकता है देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छी प्राइसिस के ऊपर प्रोडक्ट को ऑफर करके कस्टमर को ही कैन जनरेट मोर कैश डिस्काउंट्स दे के प्रमोशंस लॉन्च करके ही कैन जनरेट मोर कैश और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हो सकते हैं कि जिसमें ही कैन जनरेट कैश और अपनी कैश पोजीशन को बेहतर कर सकता है सो दिस इज़ वन ऑफ दी ऑप्शंस। जिस तरह से अगर आप इंटरनेशनल सिनेरियो में देखेंगे तो देर आर लॉट ऑफ बिज़नेसेस के जो कि सिर्फ कैश एंड कैरी मॉडल के ऊपर चल रहे हैं ये वो बिज़नेसेस हैं जो कि दे दे एम टू हैव द स्ट्रॉग कैश पोजिशन इन द बिज़नेस वो क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट बिजनेस से काफ़ी हद तक दूर है डिस्पाइट द फैक्ट कि ऑल दो ये सारी फैसिलिटीज़ कस्टमर अवेल करना चाहता है लेकिन दे आर क्लियर अबाउट देयर ऑब्जेक्टिव अबाउट देयर ऑप्शन कि उनको क्या चाहिए आज के दिन में उनके पास कैश रिच कंपनी है और दे आर कैश पुअर कंपनीज तो टारगेट यही है एक रिटेलर के पास कि वो नॉर्मली एक अच्छी कैश पोजिशन को जनरेट करें अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कशन करने के लायक है नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम बात करते हैं कैश पोजीशन को बेहतरी या इम्प्रूव करने के हवाले से सो कंपनी के हमेशा प्लान ये होता है कि ही शुड नॉट कीप स्टॉक इन्वेंट्री अपने पैसों के ऊपर विच मीन्स अगर वो सप्लायर से एक प्रोडक्ट को 40 डेज़ क्रेडिट के ऊपर बाई कर रही है सो उसका टारगेट ये होना चाहिए कि वो उसको थर्टी डेज़ के अंदर सेल कर दे विच मीन्स उसने कोई अपनी इन्वेस्टमेंट इस्तेमाल नहीं की और उस पैसे को बहुत तेज़ी से उसने खुला किया उस पैसे को बहुत तेज़ी से उसने कैपिटलाइज किया यूटिलाइज़ किया और अपनी कैश पो उसने स्ट्रॉन्ग किया दूसरी स्ट्रेटेजिक ऑप्शन जो हमारे पास मौजूद है वो है री थिंकिंग एग्जिस्टिंग स्टोर फॉर्मेट्स विच मीन्स अगर आप देखें तो किसी भी कंपनी में रिटेलर के डिफरेंट स्टोर फार्मेट्स हैं वो एक लार्ज स्टोर भी है मीडियम स्टोर फॉर्मेट के साथ भी हैं और एक स्मॉल फॉर्मेट स्टोर्स भी हैं लार्ज स्टोर्स कैन भी एक लाख स्क्वायर फिट से लेकर एंड अबव और एक लाख डेढ़ लाख दो लाख स्क्वायर फीट मीडियम कैन भी बिटवीन फिफ्टी थाउजेंड टू सेवेंटी थाउजेंड और एटी थाउजेंड स्क्येयेयेयेर फीट और जो स्मॉलर हैं आर लेस देन लेट्स से टेन टू ट्वेंटी थाउजेंड और लेस देन टेन थाउजेंड स्क्र फीट एवन स्मॉलर के अंदर फॉर्मेट के अंदर आते हैं और इससे भी छोटे यूनिट समटाइम स्मॉलर से भी ज़्यादा उनको जेट फॉर्मेट कहा जाता है या इको फॉर्मेट कहा जाता है ये वो हैं जो कि लेस देन फाइव थाउजेंड स्क्यर फीट के ऊपर नॉर्मली मौजूद होते हैं सो वाट ऑप्शन रिटेलर हैज़ टू थिंक डिपेंडिंग ऑन द फैट कि कहाँ पर मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है अगर उस पर्टिकुलर मार्केट की रिक्वायरमेंट एक लार्ज साइज स्टोर है तो ऑफकोर्स वहाँ पर एक लार्ज स्टोर एक लार्ज साइज स्टोर का होना ज़रूरी है लेकिन अगर उस मार्केट में रिक्वायरमेंट एक कन्वीनियंस स्टोर की है एक एंट्री लेवल स्टोर की है एक सेवन एलेवन टाइप स्टोर की है एक मिग्रोस जेट टाइप स्टोर की है एक बिम टाइप स्टोर की है तो ये एक यूटिलिटी स्टोर टाइप स्टोर की है तो वहाँ पर देर इज़ नो नीड कि आप एक लार्ज फॉर्मेट स्टोर के ऊपर जाए या एक मीडियम फॉर्मेट स्टोर के ऊपर जाए ये तो डिस्कशन आ गई है कि जब आप न्यू सलेक्शन की तरफ जाते हैं नॉर्मली जब इकोनॉमिक डाउन टर्न वाली सिचुएशन नॉर्मली अगर क्रिएट हो तो बहुत सारे रिटेलर ये भी करते हैं कि दे मेजेटली थिंक ऑफ चेंजिंग द स्टोर फॉर्मेट साइज फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग द साइज़ ऑफ़ फूड और रिड्यूसिंग दाइज़ ऑफ नॉन फूड इस तरह वाला फॉर्मेट और मे बी रिड्यूसिंग दाइज़ ऑफ़ द स्टोर मे बी शिफ्टिंग द स्टोर फ्राम कैश एंड कैरी मॉडल टू डिलीवरी मॉडल फ्रंट एंड से स्टोर क्यों मोस्ट ऑफ़ द टाइम के ऊपर ऐसा किया जाता है कि लट से स्पेस को कट कर दिया जाता है और किसी और काम के लिए लट से फूड सर्विस के लिए और डिलीवरी सर्विस के लिए उसको यूज़ किया जाता है और वेयर हाउसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है सो दे नीड टू रियली थिंक कौन सा फॉर्मेट यूज़ करना है किस लिए करना है किस तरह के कस्टमर के लिए करना है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है जो कि एग्जैक्टली स्ट्रेटेजिक फिट के तौर पे यूज हो सके इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर तीसरी स्ट्रेटेजिक ऑप्शन हमारे पास है दैट यू नीड टू ओपन द स्टोर फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे कंट्रीज के अंदर हमने ऑब्जर्व किया है कि जहाँ पर कस्टमर का बाइंग ट्रेंड इवन इन द नाइट के अंदर इन द इवनिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे कस्टमर प्रेफर करता है डे के अंदर बाई करना तो स्टोर रियली नीड टू थिंक ऑफ कि उन्हें कौन सी स्ट्रैटी को अडॉप्ट करना है और जब वो चाहते हैं कि वो मार्केट को कैप्चर करें से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रशियन मार्केट तो वहाँ पर ट्वेंटी फोर आवर्स स्टोर बहुत ज्यादा मौजूद हैं पाकिस्तान की केस के अंदर अगर बात करते हैं तो डेट्स से फार्मास्यूटिकल रिटेलर जो है ऑफ कोर्स 24 बाय 7 की फैसिलिटी ऑफर कर रहा है तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ़ द बिजनेस आल्सो

अगर रमज़ान की बिगनिंग आ रही है रमज़ान स्टार्ट होने वाला है इट्स नॉट हॉलीडे लेकिन अगेन ये एक सीजनेलिटी का फैक्टर है तो अगेन यू कैन स्टार्ट योर प्रपरेशन और यू कैन स्टार्ट इंक्रीज़ दैट द ट्योअर ऑफ दैट पर्टिकुलर सीज़न वन मंथ और फिफ्टीन डेज और वन वीक अर्लियर जिससे होगा ये जब आप उस सीजन को इंक्रीज करेंगे यू कैन अट्रैक्ट मोर कस्टमर एंड यू कैन जनरेट मोर बिजनेस इट लास्ट हमारे पास पॉइंट स्ट्रेटेजिक ऑप्शन दैट यू नीड टू री इंट्रोड्यूस लेवे प्लान्स बहुत सारी जगह के ऊपर ऐसा होता है स्पेशली जहाँ पर अगर इकोनॉमिक डिस्टर्ब हो वहाँ पर ऐसा होता है कस्टमर के पास एक टाइम के ऊपर दे डोंट हैव एनफ मनी सो मे बी कस्टमर कैन बुक दिक द प्रोडक्ट किसी एक छोटी सी टोकन मनी को देकर सो दैट इज़ नॉर्मली अ लेवे प्लान सो so, इस तरह के केसेस के अंदर रिटेलर जब वो इन प्लान कर रहा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसके पास आएँ वो ये ऑप्शन ज़रूर दे सकता है और नॉर्मली देता भी है कि देट यू कैन बुक योर प्रोडक्ट बाय पेइंग लेट्स से टेन परसेंट एंड दैट दैट इज़ योर प्रोडक्ट नाउ यू विल टेक दैट प्रोडक्ट जब आप उसकी हंड्रेड पेमेंट कर देंगे लेकिन इन जनरल जब आपने उसका कुछ प्रोडक्ट के कुछ प्राइस पे कर दी है अपनी प्रोडक्ट रिजर्व करवा दी है तो देन दैट इज़ योर प्रोडक्ट इस तरह इंकरेज करने से कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की तरफ आता है नॉर्मली इन जनरल एग्जाम्पल के अंदर अदर देन द रिटेलर पाकिस्तान में अगर आप देखें तो प्रॉपर्टी बिजनेस में नॉर्मली ऐसा होता है कि जहाँ पर कस्टमर जो है वो एक्स परसेंटेज या एक्स वैल्यू को पे करके उसकी उसकी पोजेसन नहीं मिलती उसको लेकिन यस उसको बता दिया जाता है कि ये आपकी जगह है तो रिटेलर के अंदर भी रिटेल बिज़नेस के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जहाँ पर एक कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को बाय कर सकता है एक्स परसेंटेज या एक्स वैल्यू देकर और वो प्रोडक्ट उसके लिए रिजर्व कर दी जाती है तो ये नॉर्मली फाइव मेजर स्ट्रेटेजिक ऑप्शन हैं जो एक रिटेलर के पास हैं कि जब हम उसको बात करते हैं कि उसने अपनी स्ट्रैटी सेट करनी है उसने आप आपको डिज़ाइन करना है स्पेशली अगर जैसा मैंने बताया कि थोड़ा सा इकॉनमी डाउन की तरफ है और इवन इकोनॉमी अगर अपवर्ड्स भी है और इकोनॉमी स्टेबल भी है सारे केसेस के अंदर दीज आर द फाइव मेजर स्टेप्स फाइव मेजर सिचुएशनस जिसके ऊपर एक रिटेलर जो है वो प्लान करता है